स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे पूरी दिल्ली और पूरा NCR कवर करने वाले हैं, और माँ कसम आपको गारंटी दे रहा हूँ, इतनी वीडियो दूंगा आपको, इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इतनी प्रॉपर्टी बताऊंगा कि आप दिल्ली के किसी भी कोने में रहते होंगे, चाहे आप किसी भी NCR के कोने में रहते होंगे, आप अपनी प्रॉपर्टी ले पाएंगे। तो आज आप जैसा कि पीछे हमारे देख सकते हैं, हम आ गए हैं जय विहार फेज टू में। और मैं आप देख सकते हैं जय विहार फेज टू, और अगर इधर सामने देखें तो जय विहार फेज वन है। तो यहाँ पर बहुत ही रोड चलता है। अगर हम बात करें इस सड़क की, यहाँ पे ट्रैफिक की, तो भाई DTC की बहुत अच्छी सर्विस रहती है। ये जो रोड है ना, नागलोई नजफगढ़ रोड है। नागलोई हमारे लेफ्ट साइड में है, यहाँ से लगभग मान के चलिए 6 किलोमीटर के आसपास होगा, और यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर होगा नजफगढ़। खैर 3 से 4 किलोमीटर ज़्यादा बोला, मेरे ख्याल से 3 से कम ही हो सकता है, ठीक है। तो बिना समय गवाए आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं, आइए चलते हैं। और देखिए एक छोटी चीज़ बता दूँ कि आप ये देख रहे हैं बनी कैंप, इस बनी कैंप के बिल्कुल साथ वाले रोड पे हैं, बनी कैंप के बिल्कुल साथ वाले रोड पे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि पक्का रोड पूरा गया हुआ है। तो आपको बता दूँ कि अगर हम बात करें सुविधाओं की, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन को लेकर तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर DTC की बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, चाहे इस रोड पर आने के लिए चाहे जाने के लिए, आपको हर मिनट 2 से 5 बस दिखाई देगी। जी हर मिनट 2 से 5 बस का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, यानी दिन भर में सैकड़ों बार बस क्रॉस होती है। और यहाँ से बस स्टैंड यहाँ बगल में है, जहाँ पे आप देखे थे अभी बस रुकी थी। और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इधर है, ठीक है। चलिए मैं कैमरा से कहूँगा आगे आगे चलें। तो आप देख सकते हैं कि मेन रोड बस स्टैंड बगल में, और यहाँ पे जो है कि हमारी प्रॉपर्टी है इस गली में। और ये जो गली है, ये 20 फुट की गली है, लेकिन यूज में ये मान के चलिए 15 फुट होती है। क्यों? क्योंकि ये जो दीवालों के लिए आप देख सकते हैं कि ये कोन लगाए गए हैं, ताकि दीवार सपोर्ट में रहे और दीवार गिरे ना। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर लगभग 2.5 फुट का एरिया, या 3 फुट कह सकते हैं, एरिया थोड़ा यूजेबल नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं, देख लीजिए कितनी शानदार प्रॉपर्टी की, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेन रोड जस्ट आपके बगल में है, और DTC की इतनी सारी बस दिखाई देंगी कि क्या कहने। तो मित्रों बिना समय गवाए आपको हम जो है कि ये जो सामने हमारी प्रॉपर्टी है वो दिखाते हैं। चलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे। आप देख सकते हैं कि मात्र कुछ मीटर की दूरी पे आपका जो है कि DTC का बस स्टैंड है, जय विहार फेज टू का। और यहाँ पर देखिए ये हमारी प्रॉपर्टी है, इस दीवार से लेकर, ठीक है, और इस दीवार तक लगभग 17 फुट का फ्रंट है हमारा, 17 फुट। मैं कहूँगा थोड़ा सा अंदर भी दिखा दें आप एक बार। और ये प्रॉपर्टी है थोड़ी सी जो है कि रेंज में है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ के दिखा दीजिए प्रॉपर्टी को, थोड़ी सी रेंज में है। और इसमें यह है कि भाई 17 फुट का फ्रंट है चौड़ा आपका, और लगभग 52-53 एवरेज कहेंगे तो 52-53 की गहराई है, क्योंकि एक तरफ से गहराई ज़्यादा है और एक तरफ से थोड़ी कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा रेंज में है, लेकिन रेंज से आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि जो इसका प्राइस रखा गया है वो रेंज को ध्यान में रख के ही रखा गया है। तो मित्रों अगर हम बात करें सुविधाओं की, तो सबसे पहले तो ये कि भाई रोड से नज़दीक होने के कारण इस रोड की खास बात बता देता हूँ आपको। इस रोड की सबसे बढ़िया जो खास बात है, सबसे अच्छी जो बात है, वो ये है कि भाई इधर आप घर बनाइए, इधर अपना पेड़ पौधे लगाइए, इधर गाड़ी खड़ी करिए, बाइक खड़ी करिए, फोर व्हीलर खड़ी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कारण यही है कि जी आपके एक तरफ घर है तो दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं, एक दीवार है, डिफेंस की दीवार है, तो आप वैसे भी पूरा फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी में हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि भाई एक ही तरफ घर है, एक तरफ दीवार है, तो आपको पूरा मौका मिलेगा किस चीज़ का, कि अपने यहाँ पे बागवानी कर लो, आप अपनी बाइक पार्क कर लो, गाड़ी पार्क कर लो, किसी प्रकार की सुविधा का जो है कि आप, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हर प्रकार की सुविधा मिल जाएगी। रही बात, तो आप देख सकते हैं कि भाई रोड RCC का बना हुआ है। ये प्लॉट कुछ टाइम पहले मैंने ये बगल वाला प्लॉट बेचा था, मतलब वीडियो बनाई थी 2 साल पहले, तो ये कच्चा था। तो आप देख सकते हैं कि पूरा वहाँ से लेकर, जहाँ रोड पर जूम करके थोड़ा दिखा दीजिए, रोड पर आपको DTC की बस दिख रही होगी जाते हुए, तो उस रोड से जो है कि यहाँ तक पूरा RCC का पक्का रोड बन गया है, सीवर डल चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये DDA के द्वारा पास नक्शे में है। जी
डीडी के द्वारा पास नक्शे में है, और यही कारण है कि इस प्रॉपर्टी को अगर आप लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा हम जो है कि आपको ले चलते हैं कॉलोनी की तरफ, कॉलोनी का थोड़ा एक बार चक्कर लगा देते हैं, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पर बसावट कैसी है, क्योंकि यहाँ पर तो हम बिल्कुल एक तरह से एंड में है ना, यहाँ पर तो हम आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एक साइड में है। अगर हम कॉलोनी के बीच में चलेंगे तो आप देख पाओगे कि भाई यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, कैसे घर बने हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, रिहाइश कैसी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं, एक बार कॉलोनी का चक्कर कर लेते हैं। ठीक है, रहने दीजिए, खाली कैमरा कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम कॉलोनी के एंड में खड़े हैं और आपको मैं बैक में दिखा देता हूँ, इधर दिखा दीजिए पीछे, कि यहाँ पर जो है कि UER2 बिल्कुल एडजेसेंट है, बिल्कुल पीछे जो है कि UER2 गुजर रहा है कॉलोनी के। अब आगे दिखाइए, और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कॉलोनी कितनी सुंदर है, कैसे घर बने हुए हैं, और यहाँ पर रोड एक चौड़ा दिया हुआ 40 फुट का, और इधर स्कूल भी है, स्कूल दिखाइए, यहाँ पे जो है कि स्कूल भी है, देख सकते हैं आप, ये आपका शिक्षा क्या लिखा हुआ है, शिक संतराम कुछ ऐसी नाम लिखा हुआ है, ले पकड़िए। तो यहाँ पर आपका मेरे ख्याल से 12वीं तक का स्कूल भी है, और आगे दिखाइए, और ये कॉलोनी देखिए कि यहाँ पे आपके घर कैसे बने हुए हैं। यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं कि भाई घर सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बने हुए हैं, सीवर का काम हो चुका है, गलियाँ भी साफ़ सुथरी और सुंदर दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे एक अच्छी बात दिखाई दे रही है कि भाई घर तो अच्छे बने ही हैं, साथ में साफ़ सफाई काफ़ी है, साफ़ सफाई पूरी दिखाई दे रही, लेफ्ट राइट जिधर भी हम देख रहे हैं घर अच्छे बने हुए हैं, बड़े बड़े घर हैं, और गलियों में कई गलियों में सीवर का काम हो चुका है, और एक आध गलियाँ ऐसी हैं जिन पर अभी सीवर काम नहीं हुआ है, और यहाँ पे भी सीवर काम होना है। रोड की चौड़ाई आप देख सकते हैं भाई, अगर इस रोड पे लेना है तो मेरे ख्याल से कम 80 से 1 लाख रुपए गज मिलेगा, शायद वो भी पार कर जाए। गलियों में अगर आप लेते हैं 15 फुट की, यहाँ ज़्यादातर गलियाँ हैं, एक आध गली 20 फुट की है, बाकी ज़्यादातर 15 फुट की गलियाँ हैं, तो इन गलियों में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपको ये प्लॉट मिलेगा, ये मान के चलिए कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपये गज है यहाँ पे। गलियों में सुविधा सारी है, एक आध ऐसी भी गलियाँ हैं जहाँ पर रेट थोड़ा कम है, और हमारा जो आज का प्लॉट है उस पे जो प्राइस होगा, अब आप देख सकते हैं कि हम बस मुश्किल से 2 मिनट चले होंगे वीडियो में, और हम आ गए बिल्कुल मेन रोड पे, जो अपना ये बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हैं कि फेज 2 का, ठीक है, JBR फेज 2 का बोर्ड लगा हुआ था, वो वाला है, ठीक है, एक गाड़ी में ही बनाइए। तो मित्रों देखिए, हमने आपको ये सारी लोकेशन दिखा दी, एक आध गलियाँ हमने शूट और की हैं, वो भी हम डाल देंगे, देख लीजिएगा वीडियो के एंड में। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये 100 गज का प्लॉट चाहिए, ठीक है, तो ये मिल जाएगा मात्र 42,000 रुपये गज के हिसाब से। उसके अलावा जो मान सम्मान होगा वो मान सम्मान भी किया जाएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट है माइंड में तो आप जो है कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं ना, ये अपने डाउट क्लियर करने के लिए दिए होते हैं, और विजिट करना हो तो भी हमें एक बार ज़रूर कॉल कर लें। हाँ, अगर लोकेशन चाहिए तो हम लोकेशन के आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, आप लोकेशन से यहाँ आके डायरेक्ट भी देख सकते हैं, या हमें चाहते हैं तो हम भी आपको यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2-4 डीलर भी बैठे हैं, उनसे भी आप एक बार रेट कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। और ये प्लॉट हमारा अपना एक तरह से मित्र का मान के चलिए, हमारे एक मित्र का है, तो बेफिक्र होकर जो है कि आप आइए और प्लॉट देखिए, अगर समझ में आए तो फिर टेबल पर बात करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए, आज के इस वीडियो का अंत करने का समय आ गया है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।